సంకీర్తనైకపితరౌ కమలాయతాక్షౌ విశ్వంభరౌ దియవరౌ యుగధర్మపాలౌ వందే జగత్ప్రియకరౌ కరుణావతారౌ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపీసహ గోపికాకాంత శ్రీ రాధకాంత నమస్తుతే. భక్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభాయము సుతే దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియే. భక్త్యా విహీనాపరాధ లక్ష్యై కీర్తాసి కామాదితరంగమర్థై కృపా మయి త్వాం శరణం ప్రపన్నా బృందే నమస్తే చరణారవిందం. హే శ్రీ సనాతన ప్రభు కరుణాంబరాశి హే రూప దుర్గత జనై దయావలోకై హే భట్ట యుగ్మ సుమతి రఘునాథ దాస శ్రీజీవ కురుత మందమతి హృదయాంగపరా తమాది దేవం కరుణానిదానం తమాలవర్ణం సువిదావతారం అపార సంసార సముద్ర సేతుం భజామహి భాగవతం స్వరూపం. జన్ ప్రభజంతమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయన విరహకాతర ఆయుభావ పుత్రేతి తన్మయతయాకరవోభినేదు స్తం సర్వభూతహృదయ మునిమాయన తస్మి నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదిరే. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవసది గౌర భక్త వృంద బల హరే కృష్ణ ఆత్మ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరి బర్ సబ్కి సబ్ జోర్ సే బోలియే బల హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ సర్వప్రథమ మరి గురుపాద పద్మ నితలీలా ప్రభుష్ణు విష్ణుపాద అష్టోత్తర శతశ్రీ శ్రీ శ్రీ మాత భక్తి శ్రీరూప్ సిద్ధాంత గోస్వామి మహారాజ్ కి చరణ కమలమే అనంత కోటి సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామ కర్తా. తత్పశ్చాత్ మరి శిక్షా గురుపాద పద్మ నితలీలా ప్రభుష్ణు విష్ణుపాద అష్టోత్తర శతశ్రీ శ్రీ శ్రీ మాత భక్తి వేదాంత శ్రీల నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్ కి చరణ సరోజ మే శ్రద్ధా పుష్పాంజలి అర్పణ కర్తా. ఉపస్థిత వైష్ణవ వైష్ణవీ పితా మాతాయ భాయి బహన్ సభికో మే యథాయోగ్య ప్రణామ కర్తా. హరే కృష్ణ. గత కల్ హమ్ లోగ్ శ్రవణ కర్ రహే థే కృష్ణ కైసే గోకుల్ మే బడీ ప్యారీ ప్యారీ మీఠి మీఠి ప్రభు లీలా కైసే కర్ రహే హే. जब कृष्ण जन्म हुए इतने में कंस को जब पता चला इसको काल और कहीं जन्म लिया है, उसने पहले पुतना को भेजा मारने के लिए. पुतना बड़ी सुंदर सा धज कर गई, अभी सीधा वो गोकुल में आ गई. तब हमारे सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते हैं, पुतना का एक अर्थ होता है पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो अपवित्र जो पाप है. कहते पाप कहाँ प्रवेश करती है, बोले जहाँ पर प्रभु का कीर्तन नहीं, भजन नहीं, पूजा पाठ नहीं, उसी घर में ही ये सारे पाप प्रवेश करती है. लेकिन यहाँ तो स्वयं आनंद कंद कृष्ण जन्म, फिर ये पुतना कैसे आई? कहते ठाकुर जी की इच्छा है, अगर पुतना नहीं आती फिर हम कथा क्या सुनते हैं.
कंस नहीं होते प्रभु का लीला नहीं होता, रावण नहीं होता रामायण बनता नहीं। जब इनको दिखाई पड़ता है वो एक तरह से शत्रु है, लेकिन दूसरे तरह से ये भगवान की लीला को ये मदद कर रहे हैं सबके साथ। जब पुतना गोकुल में आ गई, इतने में देखा जहां ब्रज में जाए केवल एक ही चर्चा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब जगह में एक ही चर्चा सुन सुन करके पुतना का तो कान पक गई। कुछ गोपियां जा रही थी नंद भवन में बधाई देने के लिए, इतने में पुतना उनको साथ हिल मिल गई, मिल करके सीधा चली गई नंद भवन में चली गई। मैया जसोदा श्री रोहिणी कृष्ण को पल्ले में झुला रहे थे और बड़े सुंदर भजन गा रहे थे। इतने में पुतना कुछ नहीं बोली, सीधा जाकर कृष्ण को पकड़ी, बोले इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलानी चाहिए, उसको तो गोद में लेकर के लाड़ लड़ानी चाहिए। जब उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाए, इतने में कृष्ण आंख बंद कर देते हैं। बोले आंख क्यों बंद किए, हमारे टीकाकरण ने उसका पीछे पांच कारण बताए, आंख क्यों बंद करते। अभी ध्यान देकर सुने, कथा के बाद में सबको मैं पूछूंगा इसका कितना याद है, ठीक है। इसका पहला कारण बताए, बोले तू ऊपर में तो माँ की रूप धारण करके आई, लेकिन अंदर में स्थान में जहर लेकर के आई मेरे को मारने के लिए, तू कपटी हो, इसलिए कपटी व्यक्ति का मुंह मैं नहीं देखता हूँ, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। दूसरा कारण है, कभी ये गोकुल में आई बच्चों को मारने के लिए पुतना, लेकिन ये गोकुल में जितने सब कृष्ण का सखा सखियों ने जन्म लिया है, बोले मेरे सखा सखियों को मारने के लिए आई हो, इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। तीसरा कारण बताए, बोले कृष्ण आए क्यों, बोले परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम, बोले दुष्टों को विनाश और संतों को पालन करने के लिए ठाकुर जी आए। अभी ठाकुर जी श्री गणेश करने जा रहे, लेकिन वो तो ऊपर से माँ के रूप धारण करते हुए आए, अभी उसको मारना पड़ेगा। ठाकुर जी बड़े दयालु बड़े कृपालु, बोले इसको मैं मारू कैसे, अभी तो ये छटपट आएगी अभी, लेकिन वो तो माँ के रूप धारण करके आई है, इसके दुख को मैं फिर देखूं कैसे। इसलिए कृष्ण कृष्ण ने आंखों को कृष्ण बंद कर देते हैं। कितना कारण हो गया, हम लोग कोई गिन नहीं रहे, तीन हो गया, गिन रहे सब, ठीक है। ये तीन कारण हो गया। चौथा कारण बताए आंख बंद करने का, अभी कृष्ण को गर्भ के अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, अभी अभी हम कथा सुनेंगे, जब भगवान जहर पान करेंगे तो क्या होगा, विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा। जब भगवान जहर पीने जा रहे थे, सारे ऋषि मुनि चंद्र नक्षत्र बोले हे प्रभु आप विष पिया मत करो, क्योंकि आपके गर्भ में हम विश्व ब्रह्मांड विद्यमान हो, अगर आप जहर पियोगे तो हम सबके सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए आप जहर मत पिया करो। जब पुकार रहे थे इतने में भगवान ने श्री भोले बाबा को याद किए, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आ जाओ, बोले क्यों, बोले क्यों किया, तुम्हारा काम है बीस पीना और मेरे काम है दूध पीना, अब तो बीस बीस पी लो और मैं दूध दूध को मैं पी लेता हूँ। ये चौथा कारण है। पंचमा कारण बताए, प्रभु सोच रहे हैं इसने ऐसे कौन सा पुण्य की है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नाही, लेकिन उसने ऐसे कौन सा पुण्य की मैं जो परम ब्रह्म परात पर तत्व मेरे को गोद में उठा रही हूँ, जरूर ये पूर्व जन्म में कोई पुण्य की होगी, कौन सा पुण्य की, इसलिए प्रभु आंख बंद करके सोच रहे हैं उसने क्या पुण्य किया। हाँ सचमुच से ये पुण्यात्मा है, क्योंकि कल आप लोगों ने देखा था बामन देव आए थे परसों, जब बामन देव आए उनकी बेटी रत्नमाला वो सोच रही थी अगर ऐसे एक लाला मेरा होता ना दिन भर उसको गोद में लेकर मैं प्यार करती, भगवान ने बोले कोई भी बात नहीं लाला मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने दो पग में सब कुछ ले लिए अभी तीसरे पग रखने का कोई स्थान नहीं, भगवान उसी समय बलि को बुला करके गरुड़ को बुला करके उनको बांध दिए। अभी उनकी बेटी सोच रही है
ये तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिता का सब कुछ कुछ को हड़प लिया, फिर मेरे पिता को बांध दिया, बोले अगर मेरे बेटा बनकर के आओगे ना, तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगा, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगा हैं। इसलिए भगवान आंख बंद करके उसके पूर्व जन्म को प्रभु देख रहे थे। जब भगवान को उन्होंने स्तन पान के कराया, स्तन तो थी नहीं, वो तो उसमें जहर जहर थी। भगवान जहर क्या पान करेंगे, भगवान उसको प्राण को शोषण की। पुतना ने बहुत कोशिश की छुड़ाने के लिए, ठाकुर जी बोले देखो मैं सहज में किसको पकड़ता है नहीं, एक बार किसको पकड़ लिया ना, अभी तक मैं पकड़ना कोई छोड़ना सिखाई ना, जब तक अपना चरण में स्थान नहीं दे देता हूँ है। कोशिश की छुड़ाने के लिए, जब उन्होंने किसी तरह से उन्होंने छुड़ा नहीं सकी, इतने में वो सोच रही है अगर ये बच्चे को किसी तरह से उठा कर मैं मथुरा ले जाऊं, मेरे भैया कंस कुछ ना कुछ करेगा। उसने अपना स्वरूप में पुतना आ गए, विशाल रूप धारण करते हुए और उनको उड़ाते हुए जब ले जा रही थी, तब हमारे टीकाकार कहते हैं पुतना को उनने कहां पर गिराया, बल्कि एक कंस का सबसे सुंदर जो बाग थी, तरह तरह का फल फूल से भरा भरा हुआ उसका सबसे सुंदर बाग है। उनका निर्देश था ये बाग की कोई भी फल फूल ब्रजवासी व कृष्ण को नहीं मिलनी चाहिए, ये सब में और मेरे जितने अनुयायी जितने अघास और बकास और सबके सब मिलने चाहिए। भगवान ने कहा दुनिया बनाया मैंने, दुनिया मेरा, और मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा, ये सब दुष्टों को मिलेगा। उन्होंने तो पुतना को उड़ा करके वहीं पर ले गया और ले करके उसने वो बाग में उसने इतने जोर से उन्होंने गिराया, जितने पेड़ पौधा जितने फल फूल के सबके सब ने खत्म कर दिए। लेकिन ब्रजवासियों का कोई चीज उसमें कुछ हानि नहीं पहुंची। देखो यहाँ पर अब ध्यान देकर सुने, इतनी सी चीज लेकर के जाओ यहाँ से, हमारे टीकाकार लोग कहते हैं ये दुनिया ठाकुर जी का, हमने कोई चीज नहीं बनाया। इसलिए उपनिषद कहता है ईसा वासम इदम सर्वम जतकिंचा जगत है जगत, मतलब दुनिया में हम जो कुछ चीज देख रहे हैं ये भगवान ये दुनिया को बनाया, हमने कोई चीज नहीं बनाया। फिर क्या करनी चाहिए, बोले तेना तेतन भुंजिता, सब कुछ उनको दे करके उनकी प्रसाद रूप में ग्रहण करो, अगर उनको नहीं दोगे ना फिर पुतना उड़ते हुए और ऐसे गिरेगी पुतना, वो सबके सब सत्यानाश कर देगी। टीकाकार लोग कहते हैं इसलिए घर में जो कुछ खाना बनता है पहले ठाकुर जी को भोग लगा, क्या करो ठाकुर जी को। लेकिन हम क्या करते जानते हो, देखो आप लोग बुरा मत मानना, कहते हम तो ठाकुर को भोग लगाते हैं, बोले कैसे, थोड़ी सी मिश्री था ना, नहीं तो थोड़ी सी दूध लगाते और खुद चखा चका माल घोट रहे बना बना के। देखो हमारे गुरु जी कहते थे बुरा मत मानो, मैं तो जितना देर हो सकता हूँ आपको कुछ अच्छा चीज देना चाहता हूँ। हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते हैं, तुम्हारे घर में एक नौकर है, वो नौकर क्या करता है, बढ़िया बढ़िया खाना बना कर खुद खाता है और जो मालिक है ना उसको जैसे तैसे कुछ बना कर उसको सामने धर देता है। अगर मालिक को ये बात पता चला गया ये नौकर क्या करता है, बढ़िया बढ़िया चकाचक बनाकर खुद तो खाता है और मेरे को जैसे तैसे खिला देता है, आप लोग बताओ तो वो मालिक वो नौकर को क्या करेगा, आप लोग बताओ क्या करेगा, घर से निकाल देगा। हाँ इतने सी चीज समझो, हम क्या करते हैं, घर का मालिक कौन है, ठाकुर जी, ठाकुर जी को क्या देख नहीं रहे, अंधे नहीं थे वो, तो अंधे ही नहीं वो सब देख रहे, खुद प्याज प्याज डाल डुल करके रोज चाट मसाला है, रोज पनीर राजमा चावल बढ़िया चकाचक खा रहे, और ठाकुर को क्या कर रहे, थोड़ी सी दूध भोगल का दिया नहीं थोड़ी सी मिश्री दे, तो फिर ठाकुर जी क्या करेंगे बता, हम कान पकड़े घर से निकाल देंगे हम, बोले दुनिया का मैं मालिक हूँ, सब कुछ मैंने तुमको दिया और तुमको तुम क्या कर रहे हो, मेरे को जैसे तैसे खिला देते हो और खुद खा। इसलिए भगवान के लिए कम से कम प्याज लहसुन त्याग दो, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं प्याज बगैर का स्वाद नहीं आता, स्वाद नहीं है। जैसे एक व्यक्ति शराब पीता है, शराब में कोई स्वाद है, अब एक ढक्कन पी कर देखो उल्टी हो जाएगी, लेकिन वो पी पी करके आदत उसने बिगाड़ डाले।
हम भी ऐसे प्याज लहसुन खा खा करके हमारे स्वभाव को हम बिगाड़ दिया है। अब देखो अब कुछ नहीं प्याज मत खाओ, देखना प्याज कटेगी ना आप वहां बैठ नहीं सकते, उल्टी हो जाएगी, वो उल्टी हो जाएगी। लेकिन हम खा खा करके क्या किया उस स्वभाव को बिगाड़ दिया है। जैसे देखो अभी खाना बन रहा है घर में, रोज रोज खाते क्या उसमें स्वाद नहीं आ रही, बहुत स्वाद आ रहे ना। जब उसमें प्याज डालते हैं ना क्या होता है, राजमा का एक टेस्ट अलग है, हर चीज की सब्जी की एक टेस्ट है। जब प्याज डालते हो प्याज क्या करता, सारे टेस्ट खत्म, खाली प्याज की बदबू 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 आ रही है, हम घर में स्वाद आ रही नहीं, वो असली चीज का तो स्वाद खत्म कर दिया संपूर्ण। बस प्याज ही राजा बन करके डाली, प्याज सब्जी प्याज सब प्याज प्याज हम उसको मान रहे हैं, खुशबू खुशबू नहीं वो बदबू है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कम से कम, हम लोग 7 दिन तक भागवत सुनोगे कम से कम कितना चीज का त्याग देने के लिए, ठीक है ना। तब घर में तो शांति सुख आएगी, क्योंकि आपका परिश्रम का चीज जब ठाकुर को भोग लगेगा ठाकुर खुश हो जाएंगे। हम कहते हैं ना जैसे खाओगे अन्ना इतने चीज को समझ लो। जब भगवान के प्रसाद को सेवन करोगे, कृष्ण गीता में कहते हैं प्रसाद सर्वदुखानां हानिरस उपजायते अर्जुन, जब मेरे को कोई चीज भोग लगा कर खाए घर का सारे दुख कष्ट क्लेश खत्म हो जाते। भगवान खुद कहते हैं आप अपना घर में करके ये चीज को देख लो, भगवान को जो कुछ खाओ घर में बगैर प्याज लहसुन के बनाओ, अच्छे तरह से ठाकुर को भोग लगाओ, बच्चों को पति को खिला आप खाओ, देखना घर का जो परिवेश है सबके सब परिवेश बदल जाएगी। अगर कोई दुख कष्ट हो आप स्वयं देखना वो दुख कष्ट अपने आप वहां से अपने आप खत्म हो जाती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इतने में सारे ब्रजवासी पीछे पीछे भगे, बोले ये हमारे लाला को लेकर के ये कहां जा रहे हैं, लाला को लेकर के देखा पुतना मरी पड़ी हुई, बोले लाला कहाँ है, देखा उनको छाती के ऊपर में कृष्ण किलकारी मारते हुए कृष्ण खेल रहे हैं। सीढ़ी मगाए, सीढ़ी मगा करके वहां पर सीढ़ी के ऊपर में चढ़ रहे थे। जब कोई चढ़ रहा था ना सोच रहा था हे भगवान अगर ये जग जाएगी ना जिंदा जिंदा हमें खा जाएगी है, बट डरते हुए जग उठे और कृष्ण को वहां से निकाले। मैया जी जब थोड़ी सी स्तन पान कराए, कृष्ण स्तन पी करके थोड़ी सी मुस्कुराहट की, जब मुस्कुराए मैया ने देखा लाला ठीक था, लाला ठीक, लाला कुछ बिगड़ा नहीं। घर तो गैया की पूछ से झाड़ा लगवाए, राई नून को मंत्र करके लाला के ऊपर में छिड़काव कराए, लाला के ऊपर में कोई है कोई डाकिनी साकिनी कोई है कोई भूत भूत नहीं लग गया तो। लेकिन जब पुतना शरीर को जलाए, देखना एक व्यक्ति को जब जलाते हैं उसमें बदबू निकलता है, लेकिन पुतना के शरीर से बदबू नहीं उसके शरीर से खुशबू निकल रही, और वो बड़ी दूर तक तो जा रहा था। बोले भैया इतने सुगंधी कहाँ से आ रहा है, इतने सुगंधी कहाँ से आ रहे हैं। सब के सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के पुतना को देखा, फिर कृष्ण को दर्शन किया। देखो यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं कृष्ण 6 दिन में पुतना को क्यों मारे, इसका क्या रहस्य है। बोले इसका रहस्य बताए, जब कृष्ण जन्म हुए इतने सुंदर थे, जो एक बार देखे बोले वाह कितने सुंदर लाला है, इतने सुंदर लाला कभी हमने देखो ही ना जो देखे। लेकिन पहले पहले नियम होता था, देखो बड़े बड़े बच्चों को तो पता होगा कभी किसकी घर में 21 दिन किसकी 1 महीना वो अपवित्र रहते थे, वो घर से बाहर बच्चों को नहीं निकला करते थे, अंदर में कंडा जला करके सेक लगवाया करते थे, हाँ वो अपवित्र 21 दिन तक अपवित्र रहा करते थे, पहले ये नियम हुआ करता था। लेकिन अंदर में पुरुष लोग कोई घुस नहीं सकते थे, केवल माताएं ही घर में प्रवेश किया करती थी। अभी सारे ब्रजवासियों को मन में इच्छा है कृष्ण को दर्शन करे, कृष्ण दर्शन करे, लेकिन दर्शन करे कैसे, अंदर में तो जा नहीं सकते। इतने में कृष्ण इच्छा से वो पुतना आ गए और पुतना ने किया कि कृष्ण को घर से बाहर निकाल दिया। जब कृष्ण को बाहर निकाल दिया फिर क्या हुआ,
बस कृष्ण दर्शन आसानी हो गया, सबके सब कृष्ण को दर्शन कर लिए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में कह रहे हैं कृष्ण कितने दयालु, कृष्ण कितने कृपालु है। बोले पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया भी असाध्य। कहते हैं जो पुतना है इसकी अंदर में जितने सब गंधा गुण, उसका अंदर में कोई अच्छा गुण है ही नहीं। बोले पहला नंबर में क्या? बोले ये अपवित्र है। बोले दूसरे नंबर में? कहते बच्चों को खून पिया करते थे। बोले तीसरे नंबर में? राक्षसी। चौथा नंबर में कृष्ण के लिए जहर को लेकर के आई थी, लेकिन कृष्ण ने उसका कोई अपगुण का प्रति नजर नहीं दिए, लेकिन उसने जो माँ की रूप धारण करते हुए आई थी और एक सेकंड के लिए कृष्ण को पुत्र भाव से दर्शन की, कृष्ण इतने में रीझ गए और उसको गोलोक वृंदावन प्रदान किया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले कृष्ण ये बताओ तुम, अगर तुम पुतना को अगर तुम दे सकते हो गोलोक वृंदावन, जो राक्षस थी तुमको मारने के लिए आई थी, लेकिन ब्रज में के जो माताएं, ब्रज के जो गैया है जिनके तुमने स्तन पान की, फिर तुम उनको क्या दोगे बताओ? कृष्ण प्रश्न करते हैं, सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते हैं। एक हिंदी में कहावत है ना, चौपट नगरी क्या बोलते हैं, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टाका से भाजी और टाका से खाजा। लगता है तेरी जो राज्य है ना ये अंधेरी नगरी है, क्योंकि पुतना को अगर इतना बड़ा स्थान दे दिया तेरे भक्तों को क्या दोगे? तो हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे, एक गुरु जी और एक चेले थे, दोनों घूमने के लिए निकले। एक राज्य में पहुंच करके देखा, अब जो कुछ खरीदी करो एक किलो उसका कीमत एक रुपया, अगर राबड़ी लो एक रुपया, घी एक किलो लो एक रुपया, रसगुल्ला लो एक रुपया, कोई साग भाजी लो एक रुपया। जो चेला था ना बड़ा खुश हो गया, बोले वाह बढ़िया जगह बना आ गए, जो कुछ लो एक रुपया, यहाँ राबड़ी रसगुल्ला मलाई खा खा कर था शरीर को बना दे। गुरु जी ने कहा देख बेटा लगता है यहाँ के राजा कुछ पागल होगा, क्योंकि जिस देश में हर चीज एक रुपया हो उसका बैलेंस में रख नहीं सकते हो, लगता है राजा तुम्हारा कोई क्रेग दिमाग की है, इसलिए चलो यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाते हैं। बोले गुरु जी इतने बढ़िया राज्य में आए, जो कुछ लो एक रुपया के लो, आप कह रहे जल्दी चलो? बोले नहीं बेटा जल्दी जल्दी निकल जाओ। बोले गुरु जी आप ही चले जाओ, मैं तो कुछ दिन रह करके राबड़ी घी रसमलाई खा करके शरीर को थोड़ा बना करके मैं आऊंगा। बोले देख बेटा अगर विपत्ति, अगर बीच में कोई विपत्ति आ पड़े ना मेरे को थोड़ा लास्ट में स्मरण कर लेना। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो आप चले जाओ। एक दिन एक बूढ़ी माता जी घर में चोरी हुई, वो चोर जब भाग रहा था माता जी पीछे से देख लिया, कोई थोड़ी सी लंबा चौड़ा मोटा, सबर राजा को शिकायत देगी मेरे घर में चोरी हो गई। बोले देखे हो? बोले पीछे से हमने देख लिया, वो मोटे लंबे और चौड़े थे, राजा तो थोड़ा पागल है ही है। राजा ने आदेश दिया सिपाही को, देखो मेरे राज्य में सबसे लंबे चौड़े मोटे जो उसको पकड़ कर दिला। अभी सीआईडी ढूंढ रहा था सबसे मोटे लंबे चौड़े, और ये तो घी राबड़ी रसगुल्ला खा खा कर शरीर को एकदम लंबे चौड़े मोटे बनाए। बोले संपूर्ण ये हमारे राज्य में यही सबसे मोटा लंबा चौड़ा। बोले राजा बुला रहे। बोले क्यों? बोले एक बूढ़ी माता के घर में चोरी हुई और उसने पीछे से देखा था लंबा चौड़ा मोटा, राज्य में तू सबसे लंबा चौड़ा मोटा चलो। बोले गुरु जी तो सही बता रहे थे, लगता है राजा थोड़ा क्रेग दिमाग की, पीछे से देखा तो मेरे लंबा चौड़ा मोटा मतलब जो सबसे होगा वही होगा चोर है, पकड़ करके ले गया। बोले तुमने चोरी की? बोले नहीं महाराज। बोले नहीं पीछे से देखा है लंबा चौड़ा मोटा तू ही, तेरे को फांसी झूलना पड़ेगा। अब देखना फांसी झूलने से पहले उसको पूछा जाता है तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा है, जब इसको पूछे इसको याद आया गुरु जी की, गुरु जी ने कहा था बेटा थोड़ी सी मेरे को स्मरण कर लेना। बोले थोड़ी सी गुरु जी से मिलना चाहता हूँ। बोले कहाँ रहते हैं? अम्बु जगह पर। गुरु जी को बुलाया। बोले क्या बात? बोले गुरु जी आप सही बता रहे थे, आप सही बता रहे थे अभी मेरे को फांसी झूलना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा देख बेटा
हम दोनों आपस आपस में लड़ेंगे। मैं बोलूंगा मेरे को फांसी पर झुलाया जाए और तुम बोलना तुमको फांसी पर झुलाया जाए, हैं? हम केवल दोनों ही लड़ेंगे, उसको बाद में क्या होगा नहीं होगा मैं देख लूंगा। अभी गुरु जी बोले मैं फांसी पर झूलूंगा, चेला बोलता है मैं फांसी पर झूलूंगा। राजा बोले भैया क्या चक्कर है, ये दोनों फांसी में झूलने के लिए लड़ाई क्यों कर रहे? बोले इधर आओ, गुरु जी को बोले इधर आओ, भैया क्यों मरने के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो? बोले महाराज आपको पता नहीं मैं पंचांग देख करके आया हूँ, ये 100 साल के बाद में आज अमृत जोग आया, बड़ा अच्छा दिन आज, आज का दिन जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा, मैं अभी अभी पंचांग देख करके आया हूँ, पता नहीं कब मरूंगा, पता नहीं तो मरना ही है, पर आज मर करके सीधा बैकुंठ क्यों नहीं चले जाए? इसलिए मैं फांसी पर झूलूंगा, चेला बोलता मैं फांसी पर। राजा ने देखा मेरी मैया तो बूढ़ी हो गई, कुछ दिन बाद में मरने वाली, फिर अपना मैया को फांसी पर क्यों नहीं झुला दे, हाँ सीधा बैकुंठ जाए। बोले जा भागो यहाँ से, तुमको फांसी में झुलाने का जरूरत नहीं, मेरे भैया को ही फांसी में झुला दूंगा। गुरु जी ने बोला बेटा जल्दी चलो यहाँ से, बाज भाग गए और अपना भैया को ही उन्होंने फांसी पर झुला दिया है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को, उतना जैसे इतने बड़ी पापी, दूसरों बच्चों को खून पीने वाली राक्षसी अपवित्र ठाकुर, अगर उसको गोलोक वृंदावन में धात्री चित्त प्रदान करते हैं, प्रभु कर जो भक्ति करते हैं उनको फिर क्या दोगे? नहीं तो ये अंधेरी नगरी चौपट राजा और टाका सर भाजी और टाका सर खाजा हो जाएगा। कृष्ण कहते ऐसे नहीं, मैं सबको बराबर नहीं देता, सबको मैं बराबर फल नहीं देता हूँ, जो जैसे भजन करता है मैं वैसे उसको फल प्रदान करता हूँ, मैं सबको बराबर फल नहीं देता हूँ। अभी प्रश्न है कृष्ण पुतना को सबसे पहले क्यों मारे? आप लोगों को बताओ तो भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे? कौन बोलेगा हाथ उठा, किसको मारे थे भगवान? तारका को मारे थे। देखो करी करी दोनों प्रभु ना एक ही लीला की है, कहती ये पुतना कौन है? बोले राक्षस है। पुत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं, जो अपवित्र राक्षस है। कहती ये तारका मतलब कौन है? तारक का मतलब होता है तारयती, तारका मतलब है जीव को जो भगाता है। बोले जीव को कौन भगाता है? काम क्रोध लोभ मोह, यही ही जीव को भगाता है। इसलिए दोनों प्रभु कर कर एक ही लीला की है, दोनों प्रभु शिक्षा देते हैं, अगर हमें कोई हृदय में बैठना चाहते हो पहले ताड़का और पुतना को मारो। कत्ता का कितना करें? तीन अक्षर। पुतना कितना करें? तीन। बोले पुतना भी स्त्री और ताड़का भी स्त्री, मतलब दोनों प्रभु करी करी एक ही ठाकुर जी ने लीला की है। अभी नंद बाबा गए थे मथुरा में कर देने के लिए, अभी तक उन्होंने कर कंस को, बड़ा राजा कंस है उग्रसेन थे, बहुत दिन से उन्होंने कर त्याग से नहीं दिया, सोच रहे थे घर में बेटा बेटी है नहीं किसके लिए पैसा कमाए, हाँ हम तो मरने के बाद बुढ़ा बुढ़ी हो गए मर जाएंगे, फिर तो कर दुनिया कोई चीज जरूरत नहीं किसके लिए पैसा कमाए। लेकिन जब कृष्ण जन्म हुए नंद बाबा के मन में कितने तरह तरह का भावना, लाला बड़ा होएगा घर में बहू आएगी फिर छमछम करके घूमेगी फिर नाती पोती होएगी, उनके मन में पता नहीं कितने कितने भावना, अभी तक तो सोच रहे थे कोई जरूरत नहीं त्याग देने का मर जाएंगे तो कौन देगा। लेकिन जब कृष्ण जन्म हुए भले ये कंसप बड़ा दुष्ट है, पहले उसको कर देकर इसका मुंह बंद कर, इसलिए नंद बाबा गए थे कर देने के लिए कहां पर? मथुरा में। और जो वसुदेव महाराज क्या कर रहे हैं, हर मिनट मिनट में गुप्तचर को द्वारा पता लगा रहा है कंस क्या अभी कर रहा है, आगे का प्लान किया है। किसने आकर वसुदेव को बोला, उन्होंने पुतना को भेज दिया मारने के लिए, ये पुतना गई। जब नंद बाबा वसुदेव से मिले, वसुदेव ने कहा नंद दोनों भाई लगते हैं, हाँ आपस में भाई लगते हैं दोनों, एक पिता की दो पत्नी थी, हाँ देवमणि नाम का राजा थे, एक क्षत्रिय और एक है वैश्य थे, उनके दोनों वंश में एक तो श्री वसुदेव महाराज हुए और दूसरे तरफ श्री नंद बाबा हुए, ये आपस में भाई लगते हैं। इसलिए वसुदेव ने कहा नंद तू ज्यादा समय यहाँ मत रुका कर, तू जल्दी जल्दी वापस चले जा, हो ना हो कुछ अनहोनी नहीं हो जाए गोकुल में, क्यों उनको पता चला ना कि पुतना को भेज दिए। और श्री नंद बाबा तो हे नारायण
तुमने ये लाला को दियो है, ये लाला को तुम ही रखिया करना। जब उन्होंने करते करते आए देखा सचमुच से पुतना मरी पड़ी। बोले भैया वसुदेव तो बहुत बड़ा ज्योतिष सही बता रहा था, गोकुल में कुछ अनहोनी हो सकती है। नंद बाबा बोले देखो आज से एरे गेरे व्यक्तियों को घर में घुसने में दिया करना, एकदम कड़ी पहरादार लगा दी। पुतना तो बड़ी सुंदर सज करके आई थी। इतने में श्री भोले बाबा को जो पता चला जे कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं, श्री शंकर भी प्रभु का दर्शन करने आए। आपको पता है शंकर जी का ड्रेस कैसे है? उनको कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, उनको तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन शंकर जी का ऊपर का जो ड्रेस है ना वो बड़ा असुंदर है, बड़ा अभद्र वेश है। क्यों शंकर जी ऐसे वेश धारण करते हैं? शंकर जी कहते हैं शंकर जी ये जगत गुरु है, ये जगत गुरु होने का नाते गुरु का काम है जीवों को ज्ञान प्रदान करना, जीवों को ज्ञान प्रदान करना। इसलिए शंकर जी शरीर में क्या स्नो पाउडर लगाते हैं? क्या लगाते हैं शंकर जी? क्या लगाते हैं? कौन सा भस्म है? शमशान। कोई अच्छे भस्म नहीं लगाते। बोले क्यों? क्या शंकर को स्नो पाउडर ने चंदन मिला ही नहीं शंकर जी को? वो शमशान की राख को मले। इसलिए शंकर जी सिखा देते, देखो जिस शरीर को तुम इतने जतन करते हो, ब्यूटी पार्लर में लेकर सजवाते हो, चवन प्रास खा करके शरीर को जानते हो, ये शरीर का परिणाम क्या? एक दिन यहीं पर इस मशान में एक मुठ राख बनने वाले हैं। अगर प्यार करना तो प्यार तो भगवान को ही करो, प्रेम तो भगवान को करो है। इसलिए शंकर जी आप देखना शमशान के पास में बैठते हुए रहते हैं। बोले क्यों? वो देखते हैं जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, देखना चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं और क्या बोलते बोलते राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं सब कोई बात उठाए। लेकिन आप एक आश्चर्य चीज देखना, जब तक उसको कंधे पर रखते हैं ना तब तक तो कहते राम नाम सत्य है, लेकिन जब कंधे से ऊपर नीचे निकालते उतार देते ना फिर राम नाम सत्य नहीं कहते, फिर तो दुनियादारी सच्चा है, हैं? इसलिए शंकर जी वहीं पर बैठ बैठ कर सारी चीज को देखते रहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले महामंत्र जे ही जपता दिन भर क्या करते हैं? कहते महामंत्र जई जपत महेशा। शंकर जी दिन रात मन में भगवान के नाम जप करते हैं। बोले पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में ठाकुर जी के नाम जप करते हैं। क्यों? उनको पता साथ में केवल भगवान के नाम जाने वाले, बस मनसान को पास में बैठ बैठ कर सारी चीज को देखते हैं। गले में हड्डियों की माला कभी सिखा देते हैं, एक दिन शरीर में हड्डी बनने वाले हैं। उनको ऊपर में कौन सा फूल चढ़ाते हैं? बोले आतंद और धधुरे। कोई अच्छे फूल नहीं चढ़ाते हैं। बोले अच्छे फूल क्यों धारण नहीं करते हैं? कारण क्या? बोले भैया हम तो ठाकुर का सेवक हैं, जितने अच्छे फूल मेरे प्रभु श्री राम और कृष्ण की सेवा में लगे, मैं तो उनका सेवक हूँ, अपने आप जो जंगल में हो जाए उसको मैं धारण कर लूंगा। शंकर जी के अलंकार किया है, कोई सोने चांदी पहनते? बोले नहीं, सर्प गले में हाथों में, देखना सांप ही सांप है। बोले सांप कौन है? कहते ये स्वयं अनंत नाग है, ये श्री अनंत नाग है, ये अनंत नाग शंकर जी के गुरु है। इसलिए संपूर्ण शरीर में शिक्षा देते हैं, अलंकार रूप में किस चीज को धारण करो? बोले गुरु जी के उपदेश को धारण करो जिससे तुम्हारे संसार से पार हो जाए।
इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपाने के लिए बहुत कोशिश करते, क्यों संत है ना, वो संतो होने का नाते वो अपना को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए जाकर के पहाड़ के ऊपर बर्फ में जाकर रहते हैं, भैया कोई नहीं आए। अब शंकर जी कहीं भी आप मूर्ति देख लेना ना, देखना जोगी जोगी महाजोगी ध्यान में बैठे हुए कल्प कल्प तक बीत जाती है, प्रभु को जब ध्यान लगाते हर समय प्रभु की भजन में डूबे रहते हैं। इसलिए शंकर जी अपने आप को कोशिश किया बहुत छुपाने के लिए, लेकिन छुपा नहीं सके। बोले क्यों नहीं, बोले सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी के पास। आप बता सकते हो सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी के पास में क्या सबसे पवित्र वस्तु, बोलो कौन बोलेगा हाथ उठा, कौन है, कदली गंगा है, शंकर जी की जटा में श्री गंगा है, बोले श्री गंगा देवी की। इसलिए शंकर जी अपने आप उन्होंने छुपा नहीं सके शंकर जी। इसलिए जब शंकर जी प्रभु को दर्शन करने के लिए आए कृष्ण को, बोले प्रभु का तो सब लीला दर्शन की, लेकिन उनको बाल्य लीला को दर्शन नहीं किया। वहां पर एक गोपी थी, बड़ी कड़ी चौकीदार थी। शंकर जी ने कहा, गोपी मैंने सुना है नंद के घर में एक लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरे कहा भयो, बोले लाला को थोड़ा दर्शन करवा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आई थी, वो देखने में बड़ी सुंदर थी, लेकिन तू देखने में वैसे लग रही है, इसलिए तेरे को देखकर मेरा जी घबरा रही है। मेरे लाला तो अभी बहुत छोटा है, बड़े जल्दी नजर लग जाती, इसलिए बाबा जो कुछ भीखा लेना लो अपना रास्ता देखो। उसने जा करके मैया से बोली, बोली मैया कहीं से एक बाबा आया है, वो कहता है लाला को दर्शन कराओ, जिसको देख करके मेरा ही जी घबरा रहा है। मैया ने आया, बोले बाबा कहाँ बातें हैं। बोले मैया मैंने सुना तेरे घर में एक लाला भयो है। बोले हाँ। बोले तेरे कहाँ भयो। बोले लाला को दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद दो लाला को। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना ही आ गई, वो निकली है, बच्चे को तो लेकर भाग गई थी, लाला कैसे बच गया, और तू तो देखने में वैसे लग रहे हो। नहीं बाबा लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा। उन्होंने तो जाकर के कृष्ण को कोने में छुपा दी। शंकर जी त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए। बोले जब तक लाला का दर्शन नहीं होगा यहाँ से मैं हटने वाला नहीं। इतने में आप लोग कभी नंदगांव जाओगे ना, वहां पर एक कुंड है, उसका नाम जोगिया कुंड है। अभी भी शंकर जी जोगी बनकर कभी भी वहीं पर है। शंकर जी का 3 दिन तक शंकर जी वहीं पर बैठे रहे प्रभु को दर्शन करने के लिए। बोले प्रभु क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे, बड़े दूर से मैं आया हूँ, एक झलक दर्शन दे दो। बोले शंकर जी कौन है, भागवत में बताया वैष्णव नाम जथा शंभु, मतलब है भगवान के सबसे जो प्यारे भक्त श्री शंकर जी है, इनके बगैर प्रभु का कोई लीला ही नहीं हुआ। जब रामा अवतार में आए शंकर जी हनुमान बनकर के आए और प्रभु की सेवकाई की, जब कृष्णा बनकर के आएंगे कल सुनेंगे शंकर जी गोपीश्वर बनकर के आएंगे, गोपी रूप में ठाकुर जी की रास दर्शन करने के लिए आएंगे। जब उन्हें ध्यान लगाए इतने में कृष्ण शंकर जी को दर्शन करने के लिए उन्होंने रोना शुरू किया। मैया जितने थप थप लगाए जितने समझाए कृष्ण तो उतना जोर जोर से रो रहे थे, इतने जोर जोर से रो रहे थे, पूरा परिवार परेशानी परेशानी हो गए, लेकिन लाला की रोना बंद नहीं हुआ। इतने में एक गोपी बोली, मैया जो बाबा आया था ना वो ऐसे तैसे बैठा हुआ आंख बंद करके, लगता है तेरे लाला को ऊपर कोई जादू टुना कर रहा है, दर्शन दे दे बाबा चले जाए। इतने में मैया काले कपड़े ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, हाँ काजल लगा यहाँ ब्रबूंद लगा दी, काले कपड़े से ओढ़ करके बड़े कष्ट से उन्होंने एक झलक श्री शंकर जी को दर्शन दिया। दर्शन देते ही अभी तक तो कृष्ण रो रहे थे, अभी कृष्ण तो खिलखिला कर हंसने लगे, शंकर जी हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू कर दिए। मैया ने देखा बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का रोना तो ले लिया और अपना हंसना लाला को दे दिया, लगता है ये कुछ जादू टोना जानता है। अगर माताओं को पता चले ना भैया बाबा को हाथ देखना आता है कुछ जादू टोना क्या होता है, सब कुछ घिर जाएंगे। बोले बाबा मेरे हाथ को देख लो, क्या मेरे भविष्य है, हाँ मेरे बेटा का हाथ देखो। अभी एकदम शंकर जी को घेर गए। बोले बाबा लगता है तुमको जादू टोना जानते। बोले हाँ। बोले लाला को ऊपर में बड़े जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है।
बोले अगर एक काम करोगे ना तब भी नजर नहीं लगेगा। बोले बता दे बाबा। बोले देखो जब तुम लाला को स्नान कराओगे वो जो स्नान का जो पानी है ला करके मेरे सर पर डाल दे। इतना सा काम। बोले हाँ देखो आप लोगों को बताए ना जो कावेरे होते हैं ना कावरिया गंगा पानी कितने दूर से गंगा पानी ला करके शंकर जी का सर पर डालते। गंगा कौन है? हम सुन रहे हैं एक चरण जो बढ़ा सत्यलोक में ब्रह्मा जी चरण को अभिषेक करके कमंडल में रखा। ये भगवान की चरणामृत है इसलिए शंकर जी को सबसे प्यारा ठाकुर जी की चरणामृत है। बोले बाबा और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करूंगा तो तेरे लाला को नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जब तेरे लाला को कोई खाना खिलाओगे वो प्लेट में जो बच जाएगा ला करके मेरे को दे देना। बोले बाबा सिर्फ सोच दो 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 देखो ये सारी 5000 साल की कथा है। अगर आप लोग गोकुल जाओगे ना देखना यही लीला होगी। जब शंकर जी जब भगवान का स्नान होता है वहां से सीधा एक नाली आई वो कहां पर? बोले शंकर जी के सर के ऊपर गिरता है। शंकर जी उसमें स्नान करते हैं ठाकुर का चरणामृत है और पहला जो प्लेट ठाकुर जी को सीधा शंकर जी को पास में आएगा। शंकर जी खाएंगे फिर वो प्रसाद को फिर सारा दुनिया पाता है। जब कोई चीज भगवान को भोग लगे वो हो जाता है प्रसाद। लेकिन जब किसी भक्तों को भोग लगे वो प्रसाद नहीं वो महा महा प्रसाद हो जाता है। ठीक है ना? हाँ देखो एक चीज को समझ कर ले जाओ। जैसे कभी कभी हम लड्डू बनाते हैं और हनुमान जी को लेकर डायरेक्ट भोग लगा देते। बोले हनुमान जी खाओ। क्या हनुमान जी भूखे तुम्हारे लड्डू खा लेंगे? हनुमान जी कौन है? राम के भक्त है। जब तक भगवान राम कोई चीज को ग्रहण नहीं करते हैं उसको बाद में माता जानकी जब तक कोई चीज ग्रहण नहीं करते हैं। जितने लड्डू हनुमान जी के दे दो एक बूंद में देखेंगे भी नहीं कर। लेकिन अगर प्रभु राम को भोग लग गया माता जानकी को फिर देने का जरूरत नहीं। हनुमान जी लपक कर खा लेंगे देने का भी जरूरत नहीं। उसी तरह जब शंकर जी को और उसे माता देवी को और उसे हनुमान गणेश जी को कोई भी चीज डायरेक्ट भोग नहीं लगानी चाहिए। लगाओ कृष्ण हो राम हो नारायण हो पहले इनको भोग लगा। इनको भोग लगा करके शंकर जी को दो पार्वती को दो गणेश जी को दो हनुमान जी को दे बड़ी प्रसन्न होकर उसको खाते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप लोग देखो आप लोग जगन्नाथपुरी को कोई कोई गए जगन्नाथपुरी गए हो आप देखना जगन्नाथपुरी ठीक मंदिर को पीछे माता देवी का मंदिर है। हाँ उनका नाम विमला है। जैसे उनको वाहन पीठ में पुरी में माता जी की चरण गिरी है जो मंदिर है विमला देवी माता जी की चरण है। उन्होंने कैलाश छोड़ करके जगन्नाथ मंदिर में बैठे हुए तो क्यों बैठे हुए? जो ठाकुर जी की प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उन्होंने वहीं पर बैठे हुए। आप लोग पुरी गए होंगे पुरी से ठीक एक स्टेशन पीछे उसका नाम भुवनेश्वर है। नाम सुने होंगे पृथ्वी में सबसे बड़ा जो शिवलिंग है उसका नाम है लिंगराज। आप देखे हो लिंग मंदिर को? देखे हो ना? देखना पृथ्वी में इतने इतने बड़े शिवलिंग पृथ्वी में कहीं नहीं देखोगे। एक शिवलिंग में कहते गंगा जमुना की धार आपको स्पष्ट रूप में देखने को मिलेगा। गंगा जमुना दोनों उसमें बह रही है। कहते हरि हर एकात्मा केवल एक शिवलिंग है जिसमें हरि और हर वो एक शिवलिंग में आपको मिलेगा उसका नाम लिंगराज। मतलब पृथ्वी का सबसे बड़ा शिवलिंग वहीं पर शिवलिंग है। वहां पर से अनंत वासुदेव वहां पर बिंदु सरोवर वो पास में अनंत वासुदेव है। सबसे पहले जगन्नाथ जी वहां पर जो अनंत वासुदेव जगन्नाथ जी का रूप है पहले ठाकुर जी को जगन्नाथ जी को भोग लगता है फिर वो प्रसाद को फिर श्री शंकर जी ग्रहण करते हैं। ना उसका नाम प्रसाद नहीं महा महा प्रसाद। जगन्नाथपुरी में पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है फिर वो प्रसाद फिर माता देवी को भोग लगता है इसलिए प्रसाद नहीं उसका नाम महा महा प्रसाद हो जाता है। हैं इसलिए भगवान की प्रसाद पाने के लिए दुनिया तरसते हैं। ठाकुर जी के हमें प्रसाद मिले इसलिए आप लोग भी घर में कोई भी खाना बनता है अगर शंकर पार्वती हनुमान है पहले सीता नहीं तो राम हो नहीं तो भगवान कृष्ण उनको भोग भोग लगा करके सारे देवादेव को दो देखना इतने प्रसन्न हो जाएंगे प्रसाद खा करके सबका आशीर्वाद है। जैसे श्री हनुमान लाल है
वो डायरेक्ट कोई चीज खाएंगे कभी कभी नहीं खा सकते जब तक गुरु राम को कोई चीज भोग नहीं लगता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है। आ बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों को लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है लाडली। सहारा सहारा तेरे बरसाने में है।